गुड मॉर्निंग एवरीवन. हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस. सभी स्टॉक एक्सचेंजेस सेल्फ रेगुलेशन करते थे अपनी ऑन मैनेजमेंट बॉडीज के थ्रू टिल 1956. 1956 के बाद सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 जब बना तो वो एडमिनिस्टर करता था जो भी ऑपरेशंस और रिकॉग्नाइजेशन स्टॉक एक्सचेंजेस को मिलनी है. जो उसका एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन था वो इस काम को देखता था. सभी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो बना उसका भी मेन पर्पस यही है कि प्रमोट करे वो ऑर्डरली और हेल्दी डेवलपमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की और एडिक्वेट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करवाए. सेबी एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने का उसका जो पर्पस है कि जो मोबिलाइजेशन है एडिक्वेट रिसोर्सेज की वो प्रॉपर हो सके. इस एनवायरनमेंट में आता क्या क्या चीज़ है जो सेबी क्रिएट करना चाहता है? फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रूल्स, रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके पॉलिसी फ्रेमवर्क. जो रेगुलेशन हम जब स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो हम उसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला है आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. 1952 में एक ड्राफ्ट हुआ बिल स्टॉक एक्सचेंजेस रेगुलेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया और इस बिल को उसने रेफर किया एक्सपर्ट कमेटी को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ A.D. गौरवाला. बिल जो था उसका जो नाम रखा गया दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन बिल और उसे इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में 1954 में. कुछ अमेंडमेंट्स के साथ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में पास हुआ. उसके बाद सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स आए 1957 में. 1996 में मेन लॉज जो थे वो रेगुलेट जो सिक्योरिटीज मार्केट को करते थे इंडिया में उसके रूल्स बनाए गए. तो ये था पहला सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये हुआ करता था. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आई, नेक्स्ट जो डेवलपमेंट आई दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी. सेबी को स्टेचुरी स्टेटस दिया गया 30th जनवरी 1992 में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एस्टैब्लिश सेबी हुआ. हालांकि जो प्रोसेस था वो शुरू हो चुका था 1988 में. उसके बाद एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसने रिप्लेस किया ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में ऑन 3rd मार्च 1992. और जो ये बिल था वो पास हुआ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से ऑन 1st अप्रैल 1992. तो जो बिल था वो एक्ट बना 4th अप्रैल 1992 को जब उसे प्रेसिडेंट की एक असेंट मिली. अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सेबी एक्ट ये प्रोवाइड करवाता है कि जो ड्यूटी होगी बोर्ड की, बोर्ड हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं, सेबी को बोर्ड हम कह रहे हैं, वो होगी प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटीज में, प्रमोट करना डेवलपमेंट और रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट को. तो जो सेबी है उसके फॉलोइंग फंक्शंस है. पहला, रेगुलेट करना बिजनेस जो भी स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है और किसी भी अदर सिक्योरिटीज मार्केट में हो रहा है. दूसरा, जो भी पर्संस काम कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट में उनको रजिस्टर करना, रेगुलेट करना उनकी वर्किंग, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, बैंकर्स टू एन इशू, ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्टीज, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और कोई भी जो इंटरमीडियरी जो एसोसिएटेड है सिक्योरिटीज मार्केट में किसी भी मैनर में, उनको रजिस्टर करना, उनकी वर्किंग को रेगुलेट करना काम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड का. देन रजिस्टर करना, रेगुलेट करना वर्किंग डिपॉजिटरीज की, पार्टिसिपेंट्स की, कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और अदर इंटरमीडियरीज जो बोर्ड टाइम टू टाइम स्पेसिफाई कर सकता है. रजिस्टर करना, रेगुलेट करना वर्किंग वेंचर कैपिटल फंड्स की, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स. देन प्रमोट करना, रेगुलेट करना सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोहिबिट करना फ्रॉडुलेंट और जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं सिक्योरिटीज मार्केट में उनको रोकना.
प्रमोट करना इन्वेस्टर एजुकेशन को, ट्रेनिंग देना इंटरमीडियरीज को जो काम कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, इनसाइडर ट्रेडिंग अगर सिक्योरिटीज में हो रही है तो उसको प्रोहिबिट करना, उसको रोकना, रेगुलेट करना अगर किसी कंपनी के सब्सटेंशियल आप शेयर्स जो हैं वो एक्वायर कर रहे हो या टेक ओवर आप कंपनी को कर रहे हो। किसी भी टाइम पे वो कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है, इंस्पेक्शन अंडरटेक कर सकती है, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, ऑडिट कर सकती है स्टॉक एक्सचेंजेस को, इंटरमीडियरीज को और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटीज मार्केट में। किसी भी टाइम पे जो सेबी है इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है, कोई भी बैंक, कोई भी अदर अथॉरिटी, बोर्ड या कॉरपोरेट जो एस्टैब्लिश हुआ है या कॉन्स्टिट्यूट किया है किसी भी सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट ने किस चीज़ के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज मार्केट में हो रही है सिक्योरिटीज से रिलेटेड, और जो इन अंडर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जिसकी बोर्ड कर रहा है, और भी वो सारे फंक्शंस करना, वो सारी पावर्स को एक्सरसाइज करना जो आती हैं, उसको मिलती हैं जो प्रोविजंस ऑफ द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 के अंडर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 जो था, जैसे भी उसे जो भी है उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे डेलीगेट कर सकती है बोर्ड को। देन कोई भी किसी भी तरीके की फीस या अदर चार्जेस जो लगाने हैं अपने इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो सभी लगा सकती है, रिसर्च कंडक्ट कर सकती है अबव पर्पसेस के लिए, किसी भी तरीके की एजेंसी से जो भी स्पेसिफाई बोर्ड करता है उससे किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मंगा सकती है अगर उसे लगता है कि वो इंफॉर्मेशन ज़रूरी है उसके फंक्शंस को एफिशिएंटली डिस्चार्ज करने के लिए, और जो भी फंक्शंस टाइम टू टाइम जो वो प्रिस्क्राइब करती है वो उसे करती है। एज अ डेवलपमेंटल रोल जो फंक्शंस परफॉर्म करता है सभी वो क्या है, सेबी डुअल रोल परफॉर्म करता है, वो रेगुलेट भी करता है और डेवलप भी करता है। तो उसके डेवलपमेंटल फंक्शंस में क्या क्या आता है, डील करना सभी मैटर्स से जो रिलेट करते हैं डेवलपमेंट और रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट से, एडमिनिस्टर करना वेरियस लॉज को, लेजिस्लेशन को जो इफेक्ट करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट को, रेगुलेट करना मार्केट इंटरमीडियरीज को मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर को, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा को, प्रोवाइड करना एडिक्वेट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स को। तो ये फंक्शंस अगर से भी करता है तो वो एज अ डेवलपमेंटल रोल के हेडिंग के अंडर आते हैं। देन जो थर्ड पार्ट है, पहला हमने देखा SCR एक्ट, देन आया हमारा सेबी, और थर्ड जो है दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो सेक्शन 9 है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का, वो कहता है कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज प्रीवियस अप्रूवल लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से, टिल 1991 प्रीवियस अप्रूवल लेने की जरूरत थी, और उसके बाद गवर्नमेंट से, उसके बाद सेबी से, सिंस 1992 सेबी से प्रीवियस अप्रूवल लेकर अपने लिए बायलॉज बना सकता है रेगुलेशन और कंट्रोल करने के लिए जो भी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। जो पावर ये ग्रांट की गई है स्टॉक एक्सचेंजेस को वो अंडर द हेडिंग ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे वहां पे गिवन है। तो जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन है वो आया फोर्स में, प्ले में आया, इम्प्लीमेंट हुआ 2004 में, और उसके रेगुलेशंस क्या हैं। सबसे पहला है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ग्रुप या एसोसिएशन ऑफ इंटरमीडियरी जो इच्छा रखता है अपने आप को रिकॉग्नाइज्ड करवाने की एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो एक कंपनी की फॉर्म में हो सकता है, रजिस्टर अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, और उस कंपनी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी विद एप्लीकेशन फी ऑफ 25,000 रुपीज बोर्ड को, ताकि जो बोर्ड है उसे सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन दे एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक जो एप्लीकेशन है उसके साथ एक कॉपी लगेगी जो भी आपके गवर्निंग नॉर्म्स हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के जो आप बनाना चाहते हैं, और एक कॉपी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की।
और उसमें क्या क्या चीजें होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होंगे, क्या पावर्स होंगी मैनेजमेंट की, और किस मैनर में जो बिजनेस है वहाँ पे ट्रांजेक्ट किया जाएगा, क्या पावर्स और ड्यूटीज होंगी उन ऑफिस बियरर्स की जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, एडमिशन कैसे होगा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके मेंबर्स का, एजेंट्स का, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी मेंबरशिप के लिए, बाहर निकालना है तो कैसे हो सकता है, रूल्स रेगुलेशन, सस्पेंशन करना है, एक्सपल्शन करना है, रीएडमिशन करना है मेंबर्स की, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो बोर्ड है वो एप्लीकेशन सर्टिफिकेट के ग्रांट के लिए कंसीडर नहीं करेगा जब तक जो एप्लीकेंट है वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल ना कर दे। वो कंडीशंस क्या है, जो एप्लीकेंट है वो एक कंपनी होनी चाहिए जिसे लाइसेंस ग्रांट किया गया हो अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो एप्लीकेंट है उसे अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई करना है एडमिशन ऑफ मेंबर्स को, और डिस्चार्ज जो वो फंक्शंस करेगा एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इन जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको एज मेन ऑब्जेक्टिव्स उसे उसमें इंक्लूड करना है। देन जो एप्लीकेंट है उसकी मिनिमम नेटवर्थ 1 करोड़ रुपीस होनी चाहिए, जो एप्लीकेंट है उसके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि जो भी उसके फंक्शंस है वो उनको डिस्चार्ज कर सके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। देन जो एप्लीकेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, फाइनेंशियल साउंड होने चाहिए, जर्नल जो उनकी रेपुटेशन है फेयर होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए ताकि बोर्ड को सेटिस्फेक्शन हो। ना ही एप्लीकेंट ना ही उसका डायरेक्टर किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व होना चाहिए जो सिक्योरिटीज मार्केट से कनेक्ट करती है और जिसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट पर। ना ही एप्लीकेंट ना ही उसका डायरेक्टर पास्ट में किसी भी टाइम पे किसी भी तरीके के इकोनॉमिक ऑफेंस या मॉरल टर्पिडाइड में इन्वॉल्व होना चाहिए। देन जो एप्लीकेंट है, जो भी उसके एम्प्लॉयमेंट में पर्सन्स हैं, उनके पास एडिक्वेट प्रोफेशनल और अदर रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए उतना जितना बोर्ड को सेटिस्फाई करता है। देन जो एप्लीकेंट है वो फिट और प्रॉपर पर्सन होना चाहिए जो भी क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया गया है शेड्यूल 2 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2008 में। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेंट को करते हो तो वो इंटरेस्ट में होना चाहिए इन्वेस्टर्स के और सिक्योरिटीज मार्केट के। थर्ड जो पॉइंट हमारा आता है दैट इज ग्रांट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर बोर्ड सेटिस्फाई है तो इंक्वायरी करने के बाद जैसा भी उसे नेसेसरी लगता है और सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो क्या कर सकता है, जो भी आर्टिकल्स और गवर्निंग नॉर्म्स है एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है रिकॉग्नाइजेशन के लिए वो कन्फर्मिटी में है उन कंडीशन से जो बोर्ड स्पेसिफाई करता है, जो एप्लीकेंट है वो विलिंग है जो भी कंडीशंस बोर्ड इम्पोज करेगा, रेगुलेशंस इम्पोज करेगा ऑब्जेक्टिव्स कैरी आउट करने के लिए उसे कंप्लाई करेगा, ये इंटरेस्ट में है, देन ये इंटरेस्ट में होगा ट्रेड के और पब्लिक इंटरेस्ट में भी होगा कि उसे ग्रांट किया जाए रिकॉग्नाइजेशन एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। देन फोर्थ पॉइंट जो हमारा है दैट इज कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। जो रिकॉग्नाइजेशन फीस है वो है 5 लाख रुपए। जो सेबी है वो स्पेसिफाई करेगा कंडीशंस रिकॉग्नाइजेशन के लिए, जो क्वालिफिकेशन है मेंबरशिप के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की, जो रिप्रेजेंटेशन होगा बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में, और जो मेंबर्स जो डायरेक्टर्स नॉमिनेट होंगे 4 मेंबर से ज़्यादा जो बोर्ड है वो नॉमिनेट नहीं कर सकता। देन जो मेंटेनेंस है अकाउंट्स के मेंबर्स का और ऑडिट जो सेबी है वो स्पेसिफाई कर सकता है कंडीशन रिगार्डिंग कि कैसे मेंटेन होंगे अकाउंट्स मेंबर्स के, ऑडिट कैसे होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू, जब भी जो ऑडिट है वो रिक्वायर करता है बोर्ड। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज कंडीशंस ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड वैलिडिटी पीरियड।
जो सर्टिफिकेट है वो ग्रांट तो होगा, जो सेबी है वो करेगी, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। वो क्या है कि जो एप्लीकेंट है वो कंप्लाई करेगा जो भी प्रोविजंस हैं एक्ट के, उनको जो भी एप्लीकेबल रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको डायरेक्शन सर्कुलर्स जो भी बोर्ड टाइम्स टू टाइम इशू करेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स जो बोर्ड को फर्निश कर रहा है एप्लीकेंट, वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलर्स जो आपने फर्निश किए हैं बोर्ड को एप्लीकेंट रिकॉग्नाइजेशन